स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9 मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 तक के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका था। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन गिवन है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2 and 4, 3 and -1, -1, 0 and 1 and 2 and -3/5 lie? Verify your answer by locating them on the constant plane. तो अब जब हमें इसे locating करना होता है तो अब हम देखते हैं कि अब हमने एक graph paper के अकॉर्डिंग एक्स और वाई यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को ड्रा किया। ये हमने लिया 1 से लेके 4 तक एक्स पर और 1 से लेके 4 तक वाई पर। पहला वैल्यू हमारा गिवन था -2 और 4। तो अब हम -2, आप जानते हैं कि पहला वैल्यू एक्स एक्सिस को बिलोंग करती है तो -2, और दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस को तो 4। यानी -2 और 4 के लिए हमने एक यहाँ पर ड्रा किया। सेकेंड वैल्यू हमारी है 3 -1। 3 हमारी एक्स एक्सिस पर आती है, वाई हमारी वाई एक्सिस पर आती है यानी यहाँ पर। तो अब हमें ये मिला 3 -1। यूजुअली तीसरी वैल्यू जब हम देखते हैं 1 और 0 यानी एक्स एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 0, तो एक्स एक्सिस पर 1 यहीं पर हो गया और वाई एक्सिस पर 0, तो हमारा केवल यहाँ बनकर कॉलम 1 रह गया। चौथा पॉइंट हमें दिखाना है 1 and 2 यानी एक्स पर 1 और y पर 2, जो कि यहाँ लोकेट कर रहा है। और सबसे फाइनल है -3 और -5। -3 हमारा एक्स एक्सिस पर और -5 हमारा वाई एक्सिस पर। तो हम ये कह सकते हैं कि द पॉइंट -2 और 4 -2 and 4 lie in quadrant 2, the point 3 and -1 lie in quadrant 4, the point -1 and 0 lie on negative x axis, the point 1 and 2 lie on quadrant 1, and the point -3 and -5 lie in quadrant 3. ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल डिस्टेंस ऑन द एक्सेस। तो हम देखते हैं कि अब ये टेबल हमारा है एक्स और वाई का। तो एक्स की वैल्यू अगर -2 है तो वाई की वैल्यू 8 है, एक्स की वैल्यू अगर -1 है तो वाई की वैल्यू 7 है, एक्स की वैल्यू अगर 0 हुई तो वाई की वैल्यू -1.05। यूजुअली अगर एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू होती है 3, और अगर एक्स की वैल्यू 3 तो 1 वाई की वैल्यू -1 होती है। अब जब हम इसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे तो हमारा इमेज कुछ इस तरह से ड्रा होता है, यानी -2 और 8 यहाँ पर ड्रा किया। उसके बाद 1 और 1 यानी ये हमारा ड्रा करेगा -1 और -1 इधर के लिए। तीसरा हमें मिलता है 0 और -1.25, तो ये वैल्यू हमारी बनती है 0 और -1.25। नेक्स्ट वैल्यू हमारी है 1 और 3 यानी एक्स पर 1 y पर 3, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ फॉर्म करी। और लास्ट वैल्यू है 3 and -1, तो 3 एक्स एक्सिस पर और -1 y एक्सिस पर, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर फॉर्म करती है। तो इस तरह से हमारा ग्राफ पेपर तैयार होता है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुआ। नए चैप्टर के साथ यानी चैप्टर 4 के साथ हम अपने अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।